हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो आपके लिए काफी खास है। चाहे आप एक ड्रॉपर हो या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि नए कॉलेज में जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर, या फिर आप लोग एक नए एस्पिरेंट हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी खास है क्योंकि गाइस वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है गाइस। अगर हम लोग बात करें प्राइवेट्स की, इवन कभी कभी बोला जाता है कि द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चाहे इंडिया में बात करें, तो ये गाइस एनआईआरएफ रैंकिंग में 20 के अंदर आ जाती है, टॉप 20 के अंदर हमेशा होती है। मैंने देखा था जब मेरी ईयर थी तब 13th नंबर पे था, तो इसलिए गाइस ये काफी अच्छी एक कॉलेज है। इवन मैं बात करूँ तो ये कॉलेज में मुझे चांस भी लगा था पर मनी के कारण मैं नहीं जा पाया। तो ये कॉलेज की अगर आप लोगों को फॉर्म भरनी है तो गाइज यहाँ पर फॉर्म ऑन हो चुकी है 2021 के लिए। तो हम लोग बात करते हैं गाइज इस कॉलेज की, तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोर हैज बीन रैंक 15th इन इंडिया। गाइज बात करें 2021 की, फॉर्म को आप कैसे भर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, इसके लिए हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, साथ में हम लोग बात करें फीस की और क्या लग सकता है हमें कॉन्टैक्ट की, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को रेफर करना चाहूंगा अनअकैडमी को। अनअकैडमी आज के दिन पे एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जहां पर गाइस आप लोग यहां पर काफी कुछ सीख सकते हो, चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है, बड़ा आसान है। उसके बाद जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक डेली T20 सीरीज का एक लिंक। इस लिंक को आपको कैसे करना है काम, यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर चले जाओगे जहाँ पर एनरोल का ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास, उसे क्लिक कीजिएगा, एनरोल हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, किसी भी एक चीज से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब आप अनअकैडमी के अंदर रजिस्टर हो जाते हो। इसके बाद जो भी पर्टिकुलर कोर्स के आपको जानना है उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है। बात करें अनअकैडमी तो 250 से ज्यादा कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, पर यहाँ पर मैं कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस KCET के बात कर रहा हूँ जहाँ पर काफी फ्री के लाइव क्लासेस भी हैं, काफी कुछ है उनके पास वेरिएंट्स है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का यहाँ पर डेली T20 सीरीज पर क्लिक करना है, आपको चले जाना है, टेस्ट को देना है। टेस्ट कैसे है, MCQs फॉर्मेट में, काफी अच्छा सा टेस्ट उन्होंने बनाया है, मैंने भी टेस्ट दिया है, काफी अच्छा लगा मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे काफी सुंदर भी लग रहा था उस चीजों को देखने के। देखिए जो भी चीज मैं आपको ऑफर करता हूँ उसके पहले मुझे टेस्ट करना पड़ता है, तो मैंने टेस्ट किया, काफी अच्छा लगा। MCQs फॉर्म में कुछ कुछ क्लिक किया, मैंने देखा कि स्कोर भी जो है मेरा दिखा दे रहा है, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी दिखा दे रहा है, बहुत ही अच्छी चीज है, मैं आपको जरूर रेफर करता हूँ, टोटली फ्री है, जरूर जाइए। तो चलिए गाइस वीडियो को शायद कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बीटेक एडमिशन इन वेलोर, चाहे इनकी ब्रांच कहें चेन्नई में है, यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, साथ में यहाँ पर भोपाल, यहाँ पर इनके पास 4 कैंपस है। बेस्ट कैंपस हमेशा ही वेलोर रहेगा, और साथ में मैं बात करूं अगर चेन्नई कैंपस में भी आप लोग को लगता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस गाइस। पर इसके बाद एपी और भोपाल के लिए आपको दो बार सोचना चाहिए, पर फिर भी दैट इज नॉट बैड क्योंकि गाइस ये कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है। बात करें यहाँ पर गाइस एलिजिबल कैंडिडेट मे सेलेक्ट द स्पेसिफिक कैंपस एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो गाइज यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है वो जो है काउंसलिंग के टाइम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, कैंपस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, एग्जामिनेशन सिर्फ एक होता है। बात करें कौन कौन सी प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं तो देख सकते हैं कौन कौन सी प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं, हमेशा से ही कंप्यूटर साइंस ब्रांच हर जगह होगा ही। साथ में बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के साथ ब्लॉकचेन के साथ काफी अलग अलग ब्रांचेस ऑफर करते हैं ये लोग, आपको पता है कंप्यूटर साइंस में अब निकल चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निकल चुका है CSBS, तो आप लोग को काफी कॉलेजेस मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए ही यहाँ पर 1000 से 1000 ब्रांचेस हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर साइंस सुनते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस कारण से गाइस इसको अट्रैक्शन को लिए यूज किया गया है। बात करें कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पर बात करें कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो भी आप लोगों को चारों कैंपस में मिल जाएंगे, बस आप लोगों को यहाँ आंध्र प्रदेश कैंपस में आप लोगों को EEE 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 नहीं मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो कॉमन चीजें हैं मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट मुझे लगता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI। गाइस ये स्पेशलाइजेशन करने के लिए अगर आपको चाहिए तो एक IIT से ही आप कर सकते हो, वो भी MTech में, तो गाइस यहाँ पर आप लोग को ये कोर्स बहुत ही अच्छा मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। VLSI गाइस बहुत ही अच्छी चीज है और मेरा गाइस ये मनपसंद चीज है, इसलिए मैं आप लोगों को इस पे फोकस डाला। इवन एम्बेडेड सिस्टम VLSI दिस इज ट्रिमेंडस, तो यहाँ पर मैं आप लोग को जरूर कहूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हर कॉलेज में है, ये सारी चीजें जो नॉर्मल है वो सारी कॉलेजेस में है। सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस में है, वेलोर में।
यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं गाइस एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी किस में है, नेशनलिटी जो है आपका नेशनलिटी होना चाहिए, एज लिमिट जो है इन्होंने दे रखा है। देख सकते हैं कि जो 1 जुलाई 1999 पे मतलब आप लोग का जो है इसके पहले होना चाहिए। देखा है कैंडिडेट हुज बर्थ डेट इज और आफ्टर 1 जुलाई, ठीक है ना, जुलाई टू अप्लाई द इंजीनियरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब आपकी अगर 1999 से अगर आप पहले जन्म लेते हो, मतलब आप एक साल ड्रॉपर आपको कहना चाहते हैं, बेसिकली आप लोगों को कहना चाहते हैं द डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड एट द हाई स्कूल। देख सकते हैं ना SSC यहाँ पर लिखा हुआ है वो ऐसे ही, और 10th का जो आप लोग का सर्टिफिकेट होगा उसमें आप लोग का जो आप लोगों का रिपोर्ट होगा उसके दौरान पे ये देखेंगे। तो यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल एज अ प्रूफ, यहाँ पर ओरिजिनल पर सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 12वीं जो सिस्टम है, 12वीं यहाँ पर लिखा था फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द 12th सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी कॉलेजेस है, CBSE है, द काउंसिल स्कूल, ICSE है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है, और भी काफी चीजें हैं। मतलब आपको 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। और नॉर्म देख सकते हैं एलिजिबल यहाँ पर JEE सैट स्कोर कार्ड भी इफ एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए JEE और आपका सैट जो स्कोर है उसके भी आप लोग जा सकते हो इसके अंदर। कैसे जा सकते हो, जैसे कि कुछ कॉलेजेस अंदर वाली कॉलेजेस हो गई, जैसे कि लास्ट में भोपाल ओपाल के लिए सीट ब्लैंक हो जाती है, इस दौरान पे JEE के नंबर से भी बच्चे को लिया जाता है। यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर ये पर लिखा हुआ है। तो आपको इसको ध्यान से देखें कि 50% जो है आप लोगों को PCM में लगेगा, एवरेज जो है 50% आप लोगों का लग जाएगा। ये काफी बड़ी चीज हो गई गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री उनको 60% एंड द एवरेज मार्क्स ओबटेन्ड, देख सकते हैं ना एवरेज मार्क्स ओबटेन्ड जो है वो आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में यहाँ पर हो गया 50%। तो गाइस पहले ऐसा नहीं था, पहले 45% था, अभी 60% एग्रीगेट कर दिया है। दिस इज गाइस ट्रिमेंडस, काफी ज्यादा बच्चों के लिए हार्ड हो जाएगा। और गाइस कुछ आपको पता ही, कुछ कॉलेजेस जो है मतलब कुछ बिहार के साइड के बोर्ड्स वो आप लोगों को 50% नहीं लाने ला पाते, आप लोग वहां पर काफी बड़ा इशू हो जाता है। साथ में बात करें यहाँ पर गाइस कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST उनके लिए 50% है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सेलिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और भी कुछ स्टेट्स उनके लिए 50%, और नॉर्मल स्टेट जैसे कि हम लोग लेते हैं वैसे के लिए 60%। तो यहाँ पर काफी बड़ी चीज हो गई। यहाँ पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ है देखिए देखिए फिजिक्स के मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हैविंग स्टडीड इन बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी काफी मैंडेटरी है। तो ये सारी चीजें काफी ध्यान रखनी है हमें। साथ में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिजिक्स बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री जिनके लिए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वो लोग किसके लिए एलिजिबल है, बायो इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये सारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझनी है। देखिए लिखा है लॉन्च जो है आप लोग का 30th नवंबर को हो चुका है, लास्ट डेट अप्लाई का है 30th मार्च, काफी दिन है काफी दिन, ठीक है ना। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर EEE को अप्लाई, देखो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ 30th मार्च बोला है पर आप लोग का अप्रैल को भी ऑन रहेगा, ₹500 बढ़ा दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है टेंटेटिव डेट्स फॉर VIT EEE 21 लिखा हुआ है, देखिए April 2 तारीख से सेकेंड टू थर्ड वीक 2021 में आप लोग का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। काउंसिलिंग अपडेट्स आप लोगों को टेंटेटिव है पर आप लोग को मिल जाएगा, दैट इज फर्स्ट वीक। आपको अगर नहीं पता टेंटेटिव क्या होता है तो गाइस कंफर्म नहीं है पर हो सकता है उसी दौरान, इसलिए टेंटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सर्च कर लेना। क्लास कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास कब से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2nd week of July 2021 से। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को नोटिस मिला था UGC का, तो गाइस अगस्त से नया सेशन स्टार्ट होना ही चाहिए, इस कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और सारी डिटेल्स के लिए यहाँ पर फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सारी चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग जाके चेकआउट जरूर कीजिए, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऑन हो चुका है गाइस, जरूर जाइए। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गाइस, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के लिए, चैनल को कर सकते हैं गाइस सब्सक्राइब, बहुत ही मजा आएगा। और हम लोग आगे जाकर काफी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इवन VIT EEE की पुराने क्वेश्चन पेपर्स विद द सॉल्व सॉल्यूशंस में सब कुछ देने वाला हूं, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए
आप लोग डिस्क्रिप्शन को जाकर हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे लिखिए आप लोगों को किस चीज के लिए वीडियो चाहिए। अगर वीडियो के साथ साथ आप लोगों को क्यू एन ए में हमारा क्वेश्चन चाहिए, संडे को क्यू एन ए होता है हमारा, तो संडे के क्यू एन ए के लिए गाइस आप लोगों को सिंपल करना है #QnA, इसके बाद अपना प्रश्न लिख दीजिए कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।